बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक जब तुम्हारा इस्तकबाल करना चाहता है, पार्ट टू और पार्ट वन डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब। और जानते हो वो कौन से तीन खास अमल हैं? जो जिसके करने के बाद अल्लाह पाक तुम्हारा खुद इस्तकबाल करता है, तो सुनो, जब तुम गहरे दर्द में सवाली बनकर अल्लाह ताला के सामने जाते हो, जब तुम बेबियां खामोशियां लेके अल्लाह ताला से फरियाद करते हो, जब मतलब कि हम खामोश लेके अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके, जब हम अपनी खताएं लेकर, अपनी मतलब सारे जो हमारी खताएं हैं वो लेकर हम अल्लाह पाक से रहमत मांगते हैं, हम पे रहमत कर, तो वो अपनी सारी रहमत समेत के तुम्हारा इस्तकबाल करता है, अपनी पुरसकून सी याद में रखते थे, और जब हम अल्लाह की याद करते हैं तो हमें दुनिया की परवाह नहीं होती, दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है, और दिल को एक सुकून मिल जाता है, अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल को नूर कर देता है, बस इसकी तरफ आने की जरा सी देर है, तो सब्सक्राइब करें। जब कभी लगे तुम्हारी पुकार सुनी नहीं गई, तुम्हारी इल्तिजा या तुम्हारी दुआ पर कुन नहीं कहा गया, तो बस एक दफ़ा अपने यकीन को परखना, तो सब्सक्राइब भी करें कि क्या तुमने पूरे यकीन से दुआ मांगी थी भी या नहीं, यकीन के साथ, तो यकीन के साथ हमेशा मांगा करें। क्या तुम्हारे मांगने में वो तरफ है, वो यकीन है जिसके लिए तुम हर पल दुआ कर रहे हो, हर वक्त तुम कहलवाने के लिए अपने यकीन और ईमान को, दोनों चीज़ें, एक यकीन और ईमान कामिल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्या यकीन और ईमान। अल्लाह पाक को तुम्हारा तवक्कुल और सब्र इतना पसंद आ गया है, कि वो चाहता है कि कुछ देर और तुम उसी यकीन के साथ उससे मांगो, और ये नहीं सोचो कि क्या मुमकिन है क्या नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तुम नामुमकिन मांगते हो, जब कोई हम नामुमकिन चीज़ मांगते हैं जो हमें नामुमकिन लगती है, तब अल्लाह पाक भी तुम्हें नामुमकिन वसीलों से ही अता करता है, अल्लाह पाक। और वो दुआ जो मुँह से निकलते ही कबूलियत के मराहिल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे हुए दिल की दुआ है, टूटे हुए दिल की फरियाद है।
बस फिर जो मांग लिया जाता है, बस फिर जो मांग लिया जाता है, जो हम मांगते हैं, जो टूटे हुए दिल की दुआ होती है, इल्तिजा होती है, उसकी अता में देरी नहीं की जाती, उसकी अता में देरी नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती? देरी। फिर वो शेर भले ही तुम्हारे नसीब में ना हो, फिर वो शेर भले ही तुम्हारे नसीब में ना हो। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्या तुमने सुना नहीं कि तुम्हारा रब सब कुछ जानता है? क्या तुमने सुना नहीं कि तुम्हारा रब सब कुछ जानता है? बेशक अल्लाह पाक सब कुछ जानता है। क्या तुमने सुना नहीं तुम्हारा रब सब कुछ जानता है? तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो, तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो, जितनी दफ़ा इल्तिजा करते हो, दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला इतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब देता है। अल्लाह ताला इतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब देता है। क्या देता है? जवाब देता है। जितनी बार भी दुआएँ मांगते हैं। तुम यहाँ एक पत्रे के लिए रो रहे हो, तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, एक कतरा और उसके लिए रो रहे हो। क्या तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो? जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें अब आगे चलिएगा। सात समंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। ये बात आप सुनिए ना, क्या बोल रहे हैं? सात समंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। इसके साथ यकीन के साथ अता की तदबीरें खुद बनाता है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये था आज का हमारा पार्ट टू, के अल्लाह पाक तुम्हारा खुद इस्तकबाल करता है। So thanks for watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon. I need your support. Part 3 will be inshallah soon.